हेलो, मैं नीरज, आपका एक्सपोर्ट एडवाइजर फ्रॉम ल्यूमिनस। आज हम आपको बताएंगे कि इन्वर्टर बैटरी की कंडीशन कैसे चेक करें। इसके लिए एक्सपर्ट की जरूरत होती है। प्लीज इसे घर पे खुद ना करें। अगर आपको बैटरी की कंडीशन चेक करनी है तो ल्यूमिनस एक्सपर्ट सर्विस फैसिलिटी से कॉन्टैक्ट करें। बैटरी चेकअप के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए वो है हाइड्रोमीटर, मल्टीमीटर और थर्मोमीटर। बैटरी हेल्थ चेक के लिए बैटरी पूरी तरह चार्ज होनी चाहिए। बैटरी चेक करने से पहले इंश्योर कर लीजिए कि बैटरी एक अच्छे इन्वर्टर या किसी चार्जर से 10 से 12 घंटे चार्ज की गई हो। चार्ज करते वक्त बैटरी को इन्वर्टर से डिस्कनेक्ट कर दें और इंश्योर करें कि उस पर कोई लोड ना हो। अब सबसे पहले एसिड से जुड़ी दो चीजें चेक कर लें। फ्लोट इंडिकेटर्स को देखकर एसिड लेवल पता लगाइए। नॉर्मली एक अच्छी बैटरी के सभी सेल्स में एसिड का लेवल ऑलमोस्ट सेम होता है। वेंट प्लग या फ्लोट इंडिकेटर्स खोलिए और एसिड का कलर चेक कीजिए। अच्छी बैटरी के लिए एसिड कलरलेस होना चाहिए। अगर एसिड का कलर ब्राउन या ब्लैक है तो इसका मतलब है कि बैटरी में करोजन है या जल्दी ही खराब होने वाली है। अब मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक करें। इससे आपको ये पता चलेगा कि वोल्टेज कितनी डाउन है। बैटरी वोल्टेज मल्टीमीटर से चेक करें। जब बैटरी किसी भी लोड से जुड़ी नहीं है तो बैटरी वोल्टेज 11.9 वोल्ट से ऊपर होना चाहिए। 10 वोल्ट से कम वोल्टेज बैटरी में प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है। अब बैटरी अगर कम वोल्टेज दे रही है तो या तो किसी सेल की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है या कोई सेल कम वोल्टेज बना रहा है। आइए देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे चेक करें। हर सेल में एसिड ग्रेविटी मापने के लिए हाइड्रोमीटर को अलग अलग सेल्स में डिप करें। एक अच्छी बैटरी के लिए हर सेल में एसिड ग्रेविटी 1.240 प्लस माइनस 0.01 के आई रेंज में होनी चाहिए। सही रीडिंग्स के लिए थर्मामीटर द्वारा एसिड का टेम्परेचर भी चेक करें और टेम्परेचर करेक्शन टेबल की सहायता से एसिड की ग्रेविटी 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर निर्धारित करें। अगर हर सेल की ग्रेविटी सही रेंज में हो तो मतलब बैटरी के सेल्स में ग्रेविटी की प्रॉब्लम नहीं है। एक जरूरी बात, अगर ग्रेविटी लो है तो हो सकता है कि बैटरी पूरी तरह चार्ज नहीं हो पाई। ऐसे में किसी एक्सटर्नल चार्जर से बैटरी को 10-12 घंटे चार्ज करें, ग्रेविटी लेवल ठीक हो जाएगा। अगर चार्ज के बाद भी बैटरी सही नहीं हो पाई तो यहाँ बताया जा रहा प्रोसेस फॉलो करें। अब अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी ठीक है फिर भी बैटरी कम वोल्टेज दे रही है तो पता लगाना होगा कि किस सेल में कम वोल्टेज बन रहा है। इसके लिए मल्टीमीटर को डीसी पर सेट कर लें। मल्टीमीटर का पॉजिटिव वायर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर रखें और नेगेटिव को पॉजिटिव टर्मिनल के पड़ोस वाले सेल में डिप करें। पहले सेल का वोल्टेज 1.6 वोल्ट के आसपास होगा। इस सेल का डिसीजन हम लास्ट स्टेज में लेंगे। याद रहे कि अच्छी कंडीशन की लेड एसिड बैटरी का सेल वोल्टेज 2 वोल्ट के आसपास होता है। अगर ऐसे सेल का वोल्टेज 2 वोल्ट से बहुत कम आता है तो इसका मतलब कि उस सेल में प्रॉब्लम है। पहले सेल का वोल्टेज चेक करने के बाद दूसरे सेल का वोल्टेज चेक करने के लिए मल्टीमीटर के पॉजिटिव वायर को सेल 1 में डालें और सेल 2 में नेगेटिव वायर डिप करें। याद रखिए, मल्टीमीटर के प्रोब को ज्यादा अंदर नहीं डालना है, इसको सिर्फ एसिड में थोड़ा सा डिप करना पड़ता है। इस सीरीज में बाकी सेल्स का वोल्टेज चेक करें। अगर किसी सेल का वोल्टेज 2 वोल्ट से कम आया मतलब उस सेल में वोल्टेज कम बन रहा था जिसके कारण बैटरी का टोटल वोल्टेज भी कम हो गया। 6 सेल और लास्ट सेल चेक करते वक्त आप पाएंगे कि रीडिंग 0.35 वोल्ट के आसपास है। फर्स्ट सेल का वोल्टेज मिला था 1.65 वोल्ट। 6 सेल की रीडिंग और फर्स्ट सेल की रीडिंग जोड़कर जो रीडिंग मिलेगी वो फर्स्ट सेल की रीडिंग मानी जाएगी। अगर हर सेल का वोल्टेज भी ठीक है और ग्रेविटी भी ठीक है फिर भी बैटरी कम वोल्टेज दे रही है तो उस सिचुएशन में बैटरी से एक छोटा इन्वर्टर जोड़कर एक 100 वॉट के बल्ब का लोड दीजिए। और अब सेम प्रोसेस से मल्टीमीटर से अलग अलग सेल्स की वोल्टेज चेक कीजिए, क्योंकि कभी कभी बैटरी के अंदर किसी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण नो लोड सिचुएशन में बैटरी सही वोल्टेज दिखाती है मगर लोड देने से डिफेक्ट का पता लगता है। याद रखें, बैटरी चेकअप किसी एक्सपर्ट से ही कराएं और खुद ना।